नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद गार्डन में। ऑर्नामेंटल प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ मैंने अपने छत पर कुछ फ्रूट के प्लांट भी ग्रो करके रखे हैं। तो चलिए आज हम उन सभी फ्रूटिंग प्लांट से मिलेंगे वन बाई वन। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी अपने छत पर इन फ्रूटिंग प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकें। तो सबसे पहले आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये कागजी बारहमासी नींबू का पौधा है। लगभग 2 साल पुराना ये मेरा पौधा है और इस पर आप देख सकते हैं कि कितने नींबू लगे हुए हैं। ये पौधा एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया हुआ पौधा है। आप देख रहे होंगे कि इस पौधे पर हर साइज़ के नींबू बन रहे हैं। एक बारहमासी नींबू का पौधा होने से समय समय पर इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। अगर आप भी अपने छत पर कोई नींबू का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो ध्यान ये रखना है कि नर्सरी पर जब ये पौधा आप लेने जाएं तो उसकी सही वैरायटी का पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वो पौधा एयर लेयरिंग मेथड से ग्रो किया गया हो या ग्राफ्टिंग से, क्योंकि बीज से तैयार किए गए पौधों में फ्रूटिंग आते लगभग 5 से 6 साल बीत जाते हैं तब जाके कहीं उसमें फ्रूटिंग मिल पाती है। दूसरे नंबर पर आप ये जो पौधा देख रहे हैं, भगवा वेराइटी के अनार का पौधा है। ये साल में लगभग 2 से 3 बार ये जमकर इसी तरह से फ्रूटिंग देता है। इस वैरायटी के पौधे में हर साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चलती रहती है। एक बार पककर तैयार हो जाने पर इसके फल का वज़न 200 से 300 ग्राम हो जाता है। इस पौधे को मैंने एक 40 लीटर के ड्रम में लगा के रखा है। दोस्तों, फ्रूटिंग प्लांट को न्यूट्रिशन और पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसीलिए हो सके तो इसे आप बड़े से बड़े पॉट में ग्रो करें। ये पौधा भी एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया गया है। एयर लेयरिंग मेथड क्या है, इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिससे आप भी एयर लेयरिंग मेथड से अलग अलग पौधे बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप जिस पौधे को देख रहे हैं, ये नागपुरी ऑरेंज संतरा का पौधा है। लगभग 3.5 से 4 फीट इसकी हाइट है। 1 साल से ये पौधा मेरे पास है। ग्राफ्टिंग तकनीक से ये पौधा तैयार हुआ है। अगर आप ध्यान से इसके तने को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पौधा एक देसी वैरायटी के पौधे पर ग्राफ्ट किया गया है। इस पौधे पर ये दूसरी बार मैं फ्रूटिंग ले रहा हूँ। पहली बार की फ्रूटिंग को मैंने खाकर देखा है, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा खट्टा इसका स्वाद नहीं होता है। इस नागपुरी ऑरेंज वैरायटी के पौधे पर भी साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुल 7 फल बड़ी साइज़ के बने हुए हैं और इस जगह पर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। चौथे नंबर पर आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये इंडियन मौसमी या इसे इंडियन माल्टा कहा जाता है। इसी साल ये पौधा मैंने अपने गार्डन में ग्रो करके रखा है। लगभग 10 से 12 इंच के पॉट में मैंने इसे ग्रो किया है। सीज़न में फ्लावरिंग तो इस पर जम के आई थी दोस्तों, मगर छोटा पौधा होने के कारण फ्रूटिंग को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया। ये सिर्फ 1 फल इस पर यह लगा हुआ है। ग्राफ्टिंग मेथड से बना हुआ पौधा है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह तने पर ये चिप बडिंग के द्वारा ग्राफ्ट किया गया है। नंबर 5 पर आप जिस पौधे को देख रहे हैं, इसे चकोतरा या पोमेलो के नाम से जाना जाता है। एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया गया पौधा है। साल में सिर्फ 1 बार इस पर फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। आप देख सकते हैं इस समय इस पौधे पर 2 फ्रूटिंग लगी हुई है। इसका साइज़ देखकर आप इसके वज़न का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका फ्रूट खाने में बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट होता है और काफ़ी सारे मेडिसिनल गुणों से भरपूर माना जाता है। इस पौधे को मैंने लगभग 14 इंच की बाल्टी में लगा रखा है। 6 नंबर पर आप जिस पौधे को देख रहे हैं, ये लेमन वैरायटी का पौधा है। लेमन वैरायटी यानी दोस्तों, हम इसकी नींबू से अचार बना सकते हैं। साल में 2 से 3 बार इस पौधे पर भी जम के फ्रूटिंग होती है और इस साल भी इस पर जमकर फ्रूटिंग हुई थी। सारे फ्रूट जैसे जैसे पकते गए हमने इसे हार्वेस्ट कर लिया। ये पौधा भी दोस्तों एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया गया है। 7वें नंबर पर आप जो ये फ्रूटिंग प्लांट देख रहे हैं, ये भी एक नींबू की बारहमासी वाली वैरायटी है। कलकत्ता पाती लेमन इसका नाम है। साल में 2 से 3 बार भरपूर फ्रूटिंग होती है। अभी अभी मैंने इन सभी
फ्रूट को हार्वेस्ट किया है। नींबू की वेराइटियों में सबसे ज़्यादा फ्रूट मुझे इसी पौधे से मिलते हैं। लगभग 5 से 6 साल पुराना ये मेरा पौधा है, जिसे मैंने 14 इंच की बाल्टी में ग्रो कर रखा है। ये पौधा भी एक एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया गया पौधा है, जो साल में लगभग 2 से 3 बार मुझे जमकर फ्रूटिंग देता है। 8वें नंबर पर आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये चाइना मौसमी का प्लांट है। छोटी हाइट में ही यह भरकर फ्रूटिंग देने वाला पौधा है। इस साल किसी कारणवश इसमें फ्रूटिंग नहीं बन पाई, हालांकि इसमें फ्लावरिंग तो बम्पर आई थी, पर इस पौधे की एयर लेयरिंग मेथड से मैंने कुल 3 से 4 पौधे बना रखे हैं। उसमें मैं आपको इसकी फ्रूटिंग ज़रूर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों पौधे लगभग 1-1 फिट के हैं और इन पर किस प्रकार से फ्रूटिंग लगी हुई है। ये पौधे का एक फल ये देखिए अभी कच्चा है, दूसरा फल उससे भी ज़्यादा छोटा है, और तीसरा फल देखिए पकने की बस जस्ट तैयारी में है। दूसरे नंबर के पौधे पर भी एक फल लगा हुआ है जो अभी कच्चा है। 9वें नंबर पर आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये चीकू का पौधा है। लगभग 4 से 5 साल से मेरे पास है। फ्लावरिंग तो दोस्तों इसमें हर साल बम्पर होती है, लेकिन अभी तक इस पौधे ने मुझे फ्रूटिंग नहीं दी। हालांकि 14 इंच की बकेट में ये पौधा मैंने लगाया है और ये भी एक ग्राफ्टेड प्लांट है, फिर भी अभी तक मुझे इस पर फ्रूटिंग नहीं मिली। आपको अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये चीकू की कौन सी वेराइटी है, इसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। नेक्स्ट प्लांट की तरफ बढ़ें तो ये इमली का मेरा एक ग्राफ्टेड पौधा है। देख सकते हैं इसके नीचे का ग्राफ्टेड पोर्शन। इस पौधे को एक बोनसाई पौधे के रूप में ढालने के लिए इस पौधे को नर्सरी पर से मैं लेकर आया हूँ, और इस पौधे में भी देख सकते हैं कि फ्लावरिंग हो रही है। नर्सरी पर यह पौधा मुझे मीठी इमली के नाम पर मिला है। 2 से 3 बार इसमें भी दोस्तों अच्छी तरह से फ्लावरिंग आई है, मगर फ्रूट एक भी सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट पौधे के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, ये स्वीट लेमन मीठा नींबू प्रजाति का पौधा है। अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले मैंने इसे बाय किया है। देख सकते हैं आप कि ये पौधा भी ग्राफ्टिंग मेथड से तैयार किया गया है। लगभग 10 से 12 इंच के प्लास्टिक पॉट में मैंने इसे ग्रो किया है। अब धीरे धीरे इस पौधे पर भी फ्लावरिंग बनने लगी है। मैंने इस प्रकार के नींबू को खाकर देखा है दोस्तों, इस पौधे के फल को आप बिना छिलका उतारे सीधे खा सकते हैं। इसमें सीड बिल्कुल नहीं होता है, खाने में बहुत ही मीठा होता है। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो मैंगो वेराइटी का ये बड़ा सा पौधा देख रहे हैं आप, बड़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखाने वाला ये पौधा है। लगभग अगस्त या जुलाई में ये पौधा नर्सरी से लाकर मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। हालांकि उस समय इस पौधे में फ्लावरिंग बहुत थी, पर मेरे पास समय कम था। अगर इस पौधे को मैं रिपोर्ट नहीं करता तो इन गर्मियों में मैं इसे संभाल नहीं पाता। वैसे भी मैंगो का पौधा बड़ा ही सेंसिटिव पौधा होता है, खासकर आप अगर इसे अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर रहे हों। इसलिए जब भी आप इसका पौधा खरीदें, थोड़ा मैच्योर पौधा ही खरीदें दोस्तों। सुवर्ण रेखा वेराइटी का एक पौधा है जो बड़ी तेज़ी से अपनी ग्रोथ दिखाता है। मैंगो फैमिली में सबसे तेज़ ग्रो होने वाला पौधा है। इसके फ्रूट का साइज़ भी अच्छा होता है और उसका स्वाद भी बहुत मीठा होता है। वैसे तो मैंगो प्लांट के लिए मिट्टी का ही गमला अच्छा माना जाता है। अगर वो प्लांट आपका छोटा है, मैच्योर नहीं है, तो खास करके दोस्तों आप उसे मिट्टी के पॉट में ही ग्रो करें। मेरा यह पौधा काफ़ी मैच्योर हो चुका है, इसलिए मैंने इसे एक 80 से 90 लीटर की ड्रम में रिपोर्ट किया है। बचते बचाते ये कुल 3 फल मेरे पास बचे हैं। आप इनका साइज़ देख सकते हैं और इसका कलर देख सकते हैं। अपने छत पर फ्रूट प्लांट लगाना और उसमें इस तरीके से फ्रूटिंग लेना एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है दोस्तों। नेक्स्ट पौधे की बात करें तो ये ऑर्नामेंटल लुक देने वाला मिनिएचर अनार का पौधा है। आप इस पर फ्लावरिंग की मात्रा देख सकते हैं। फ्लावरिंग के साथ साथ इस पौधे पर फ्रूट्स भी लगते हैं और इन फ्रूट्स को खाया भी जा सकता है। हालांकि इस पौधे को मैं अपनी छत पर एक फ्रूटिंग बोनसाई के रूप में तैयार कर रहा हूं। आखिर में बात करें दोस्तों तो ये मेरा मिनिएचर गुआवा का पौधा है। इस पौधे को भी मैंने इसके मदर प्लांट से एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया है। गुआवा फैमिली का ये सबसे छोटी छोटी पत्तियाँ प्रोड्यूस करने वाला और सबसे छोटे छोटे फ्रूट देने वाला प्लांट है। हालांकि इसमें अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई,
जैसे ही इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये कुछ फ्रूटिंग प्लांट से आज मैंने आपको मिलवाया है दोस्तों, हालांकि ये वीडियो देखते देखते काफ़ी लंबी हो गई है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। आपने अपने छत पर किन किन प्रकार के फ्रूट्स प्लांट को ग्रो किया है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले इसलिए बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।